कृषि कानून को लेकर पूरे देश में आज भारत बंद बुलाया गया, जिसका आंशिक असर कहीं कहीं देखने को मिला। बिहार और दिल्ली जैसे राज्यों में इसका असर ज़्यादा देखने को मिला। बात अगर मुंबई की करें तो यहाँ वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में कामकाज और स्थानीय परिवहन सेवाएं सामान्य रूप से चलती रहीं। केंद्र के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ किसान यूनियनों के द्वारा बुलाए गए भारत बंद के मद्देनज़र मुंबई पुलिस ने यहाँ खास व्यवस्था की थी। कांग्रेस के कार्यकर्ता हाथों में तख्तियाँ लिए अंधेरी और जोगेश्वरी जैसे कुछ जगहों पर जमा हो गए और कृषि कानूनों के खिलाफ नारेबाजी की। इसके अलावा मुंबई शहर में इस बंद का कोई खास असर देखने को नहीं मिला। अब बात करते हैं महाराष्ट्र कांग्रेस की। महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता पिछले दिनों देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की थी। ये मुलाकात इसलिए थी क्योंकि कांग्रेस के उम्मीदवार रजनी पटेल को निर्विरोध चुना जाए। कांग्रेस के नेता देवेंद्र फडणवीस से इसीलिए मिले थे कि बीजेपी अपना उम्मीदवार वापस ले ले, और आखिरकार कांग्रेस के अनुरोध पर देवेंद्र फडणवीस और बीजेपी ने ऐसा ही किया, और अब पूरी संभावना है कि कांग्रेस की उम्मीदवार रजनी पाटिल निर्विरोध चुनी जाएंगी, क्योंकि बीजेपी ने अपना उम्मीदवार नहीं खड़ा करने का फैसला लिया है। इस बात की औपचारिक घोषणा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल ने दी है। तो वहीं दूसरी ओर प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने एक और शिवसेना के नेता के घर पर छापेमारी की है। आपको बता दें, इससे पहले अनिल देशमुख और अनिल परब के घरों पर छापेमारी की गई थी, और अब शिवसेना के पूर्व सांसद आनंद राव अड़सुल की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि प्रवर्तन निदेशालय ने उनके घर और दफ्तर पर छापेमारी की है। आपको बता दें कि अड़सुल पर सिटी कॉरपोरेशन बैंक में तकरीबन 100 करोड़ के घोटाले का आरोप है। प्रवर्तन निदेशालय इसी सिलसिले में अड़सुल और उनके बेटे के ऑफिसों पर छापेमारी कर रही है। इस पूरे मसले पर बीजेपी नेता किरीट सोमैया का कहना है कि घोटालेबाजों को अब जेल जाना ही पड़ेगा। फॉर मोर वीडियोज़ सब्सक्राइब मुंबई प्रेस, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।